नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जरिन पटेल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्रिक्स एंड ऑफर्स। दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी अपने फ्रेंड का बर्थडे है या फिर अपने रिलेटिव का बर्थडे है तो उसका फ़ोटो का स्लाइड शो या फिर फ़ोटो का वीडियो कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा एक ज़बरदस्त ट्रिक कि जिसके मदद से आप आसानी से किसी भी फ़ोटोज़ का एक वीडियो बना सकते हैं और उसको सेंड कर सकते हैं। आप चाहे तो उसको व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, समय नहीं कहते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी डिश मैं आपके लिए ले लिया देता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे एक एप्लीकेशन का डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सीधे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो हमारे एप्लीकेशन नाम है विजमेटो, जो एक फ़ोटो एडिटर एप्लीकेशन है। और यहाँ पे आप फोटो एडिटर के अलावा आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे GIF, स्लाइड शो, माई स्टूडियो, एडिट वीडियो। तो हमें यहाँ पे फोटो का वीडियो बनाना है तो हमें यहाँ पे स्लाइड शो पे क्लिक कर लेना है। तो स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे और गैलरी से काफ़ी सारे फ़ोटोज हैं हमारे पास, तो उसमें से फ़ोटो को चूज़ कर लेंगे। तो मैं यहाँ से किसी भी फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें थीम मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, हैप्पी, बेसिक्स, रोमांस और पार्टी और हॉलीडेज। तो दोस्तों, मुझे यहाँ पे हैप्पी वाली थीम चाहिए तो मैं यहाँ पे हैप्पी पे सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे हैप्पी पे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे और भी ऑप्शन मिलेंगे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से कोई भी और ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ टाइटल लेना है तो यहाँ पे आप टाइटल ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइटल ले लूँगा, तो टाइटल पे क्लिक करेंगे, हैप्पी बर्थडे निधि इतना लिखे यहाँ पे, ओके बटन पे क्लिक कर लेंगे। और यहाँ पे आप एक्सेप्ट रेशियो जो है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपके हिसाब से जो एक्सेप्ट रेशियो है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे लेंथ कितनी रखनी है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे 30 सेकंड का वीडियो रखना है तो यहाँ से मैं 30 सेकंड का रख सकता हूँ, 1 मिनट का रखना है तो मैं 1 मिनट का रख सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने अप्रोक्सली 30 सेकंड का वीडियो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। और आप यहाँ से थीम सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको थीम पसंद आती है वो थीम्स यहाँ से सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर मेक माई मूवी पर क्लिक कर लेना है। सिंपल तरीका है दोस्तों। और यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग होगी तो आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना है, तो हमारी प्रोसेसिंग यहाँ पे कंप्लीट ही हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ से आप प्ले कर सकते हैं। मैं वॉइस इसकी कम कर लेता हूँ क्योंकि कॉपीड इश्यू हो सकता है, उसके पहले मैंने यहाँ पे उसके जो वॉइस है वो कम कर दी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ से कुछ बढ़िया तरीके से आप अपना स्लाइड शो क्रिएट कर सकते हैं। आपको थीम चेंज करनी है तो थीम्स चेंज कर सकते हैं, तो बढ़िया से फ़ोटोज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो काफ़ी अच्छा और काफ़ी यूनिक लग रहा है फ़ोटोज़। इसके बाद दोस्तों, आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे सिंपल एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से सेव कर लेना है। तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे सेव करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर भी आप यहाँ से डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर शेयरिंग का ऑप्शन आ चुका है तो आप यहाँ से जाइए और व्हाट्सएप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से जिसको भी आप उसको सेंड करना है उसको आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से वीडियो सेंड कर दिया है और यहाँ पे जो लिखा हुआ आता है उसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पे सेंड का ऑप्शन मिल जाता है। बस इसी प्रकार दोस्तों, आपको यहाँ से अपनी बढ़िया सी फ़ोटो स्लाइड शो बनानी है और आप उसको सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए ले लिया रहता हूँ। तो दोस्तों, नेक्स्ट वापस मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।